है और पैसा कमाता है तो ये हराम है सख्त हराम। <coughs> तो सरकार ने काहिन की आमदनी को भी हराम करा दिया है और खाशा औरत की आमदनी को भी हराम करा दिया फ्वाशा की मिठाई को भी हराम करा दिया यानी कि जो उसके यार वगैरह हों जो उसे यानी कि मिठाई वगैरह दे जाए तोहफे तो या वगैरह यानी कि वो जब वो काम होते हैं तब तो वो कमाई करती है लेकिन कभी ऐसे दोस्ती हो जाती है कुछ लोगों से कुछ लोग उससे यानी कि अपनी दोस्त बना रहे थे बड़ी ख़ास के जब भी जाते उसी के पास जाते हैं और वो एक दोस्ती हो जाती है तो कभी तोहफ़े तहफ़ मिठाई वग़ैरह दे दिया ऐसा तो वो भी सख्त हराम है उस मिठाई को खाना भी हराम है सद सरकार आला हजरत से एक मसला पूछा गया कि एक फ्वाश औरत है और उसके पास वही सारी कमाई है लेकिन वो अपने घर में ख़त्म करवाती है ख़त्म कराती है तो वो मिठाई या लाएगी या वो नजराना जो कुछ देगी तो वो तो उसकी हराम कमाई है तो वो लेना कैसा तो सदी सरकार अलत ने फरमा कि या वो न्याज में देना चाहती मदरसे में देना चाहती या मस्जिद में देना चाहती है हालांकि उसकी हराम आमदनी है तो मस्जिद मदरसे में तो चली नहीं सकती है तो वो देना चाहती है तो क्या करें तो अलत ने उसका जवाब अरसाद फरमा कि उसकी आमदनी तो सख्त आराम है उससे तो लिया नहीं जा सकता कबूल नहीं की जा सकती हाँ अलबत्त वो ये कर सकती है अगर उसे मस्जिद मदरसे में देना हो तो ये कर सकती है कि वो किसी से कर्जा ले लें वो किसी से कर्जा ले और कर्जा लेकर कर मस्जिद मदरसे में दे दे कि पैसा अब उसका उसकी आमदनी का नहीं यानी हराम की आमदनी का नहीं है तो कर्जा लेकर वो दे दे और फिर अपनी हराम आमदनी से वो कर्ज़ा अदा कर दे वो ये कर सकती है अगर वो मस्जिद मदरसों में खर्च करना चाहे तो लेकिन बहरहाल तो ये आमदनी भी सारी की सारी जो है वह हराम है इसी तरह से यानि अब ये नाचना गाना डी जे ये सब की आमदनी हराम है हाँ, जितने भी बैंड बाजों में जाते हैं और बजाते हैं गाते हैं वो सब की आमदनी हराम है उनकी इनकम हराम और वो जो कुछ खाते पीते हैं अपनी औलादों को खिलाते हैं वो सब हराम है तो जाहिर सी बात है। इसी तरह से ये यानी कि कारोबार फहाशी का कारोबार वो हराम है इसी तरह से एक यानी कि कारोबार है जो बहुत ज़्यादा आम है हमारे माशरे में जिसे लोग बुरा भी नहीं समझते बल्कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती और वो है खेल कूद क्रिकेट फुटबॉल हॉकी ये सारे खेल ये सारे खेल भी जो है इनकी आमदनी इनकम जो है ना वो भी हराम भाई एक मरतबा क्रिकेट हॉकी वगैरह या फुटबॉल वगैरह हम वर्जिश की नीयत से खेल लें अलग बात है कि भाई उससे थोड़ा सा यानी कि वर्जिश हो जाएगी दौड़ भाग हो जाएगी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहेगी और सेहत बनी रहेगी तो इसके इस नीयत से खेल लेना तो जायज़ है कि हम एक मखसूस वक्त के लिए के और वो भी ऐसा कि उस खेल में इतना मसरूफ़ ना हो कि नमाज फौत हो जाए नमाज का बंदा गया है दोपहर से तो शाम हो गई या सुबह से गया तो शाम हो गई उसे जहर का कोई पता नहीं असर का कुछ पता नहीं और था आया थक हार कर पड़ गया तो मगरिब भी गई है ना ईशा तो जानी ही जानी है इसलिए कि वो जब मगरिब में नहीं आ सका थक कर तो ईशा में कैसे आ जाएगा तब तो सुस्ती और ज़्यादा आ जाएगी आंखों में भी नींद आ जाएगी तो थका हुआ बंदा <coughs> तो इस तरह की यानी कि चीज़ें जो है तो ये खेल कूद के जितने भी है ये इसमें दो चीज़ें एक तो माल बर्बाद होता है और दूसरा वक्त बर्बाद होता है अच्छा माल बर्बाद होता है इस तौर तो पर के टिकट ख़रीद कर गए तो फालतू में पैसा गया और फिर ये कि इतना टाइम बैठे तो फिर जाहिर सी बात है उसमें भी हमने वक्त को बर्बाद किया है तो अब ये कि उस माल को बर्बाद करने और वक्त को बर्बाद कराने में हेल्प की है उन प्लेयर्स ने वो खेलते ही नहीं तो इनका वक्त बर्बाद ही नहीं होता खेलते ही नहीं तो पैसा बर्बाद होता ही नहीं फिर उन्हीं के जरिए सट्टाबाजी भी चलती है तो वो उसमें भी हेल्पर हो गए ये चौक्का मारेगा तभी तो सट्टा खेल पाएगा ये छक्का मारेगा तभी तो सट्टा खेल पाएगा ये गोल करेगा तभी तो सट्टा चलेगा कौन सी टीम जीतेगी इस पर सट्टा वो कैसे खेला जा रहा है जब टीमें खेल हार जीत हो रही है तब बहरहाल तो ये प्लेयर्स की जो आमदनी है वो भी हराम है चाहे वो क्रिकेट के ज़रिए हो फुटबॉल हॉकी वगैरह के जरिए हो इसलिए कि वो लोगों का वक्त ज़ाय हैं, बर्बाद कर रहे हैं और उसमें वो हिस्सेदार हैं वो हिस्सेदार हैं और उसी की आमदनी है लोगों का वक्त बर्बाद करने ही का उनको पैसा दिया जा रहा है कि तुम लोगों का इतना वक्त छः घंटा बर्बाद करो तुमको इतना दिया जाएगा लेकिन चूँकि अब गवर्नमेंट की भी जो है ना क्या सपोर्ट है और लोगों में इतना ज़्यादा राइज और आम हो गया कि लोग उसे बुरा भी नहीं समझते लोग उसे है ना बहुत अच्छा समझते हैं और लोग ये कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छे क्रिकेटर या प्लेयर बन जाएं और हॉकी फुटबॉल क्रिकेट वगैरह में खेलें तो हम भी अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं है ना कभी किसी मुसलमान को देखिए तो यार अपना मुसलमान भाई बहुत तरक्की कर गया कोई तरक्की नहीं वो बर्बाद हो गया है कोई तरक्की नहीं हुई वो बर्बाद हुआ लेकिन बहरहाल इस तरह के यानी कि आमदनी भी सख्त हराम है <coughs> तो ये आ, सारी आमदनी जो थी वो हराम थी इसी तरह से अगर आ, कोई बंदा तो बंदा तो चलो ठीक है लेकिन बंदी औरतें लड़कियाँ वो अगर मॉडलिंग का काम करती है एडवर्टाइज में आती है वीडियो आ, बनाती है एडवर्टाइज का और वो एडवर्टाइज़ के ज़रिए से कमाती है मॉडलिंग के ज़रिए से तो ये भी सख्त हराम है इसलिए कि वो भी अपना हुस्न बेच रही है वो अपना जिसम ही बेच रही है ये और बात है यानी हुस्न बेच कर और अपनी यानी कि मॉडलिंग करके कर, अपने आप को दिखा कर वो अपनी यानि कि कीमत हासिल कर रही है अपने दिखाने को वो बेच रही है तो ये कीमत भी हराम है और इसकी आमदनी इनकम भी जो होगी वो हराम होगी सख्त हराम होगी अब ये कि मर्द हजरात हैं तो चलो वो मॉडल लेकिन उनके लिए भी वो यानी कि औरतें उन्हें देखें और वो अपने आप को इस तौर पर पेश करें कि काबिल शहवत हों कि औरतें उन्हें देख कर उन पर फिदा हों और उनको बहुत पसंद करने लगें और ये वगैरह वगैरह इस तौर पर अपने आप को पेश करते हों तब तो फिर वो भी हराम में आ जाएँगे हराम की आमदनी है बहुत से लोगों की तर तरफ शर्ट उतार दिया टी शर्ट उतार दिया अपनी बॉडी दिखा रहे हैं एप्स दिखा रहे हैं तो ये सब तो हराम में आ जाएगा हाँ अलबत्त ये कि अच्छा वो रिहा भी है एक मुसलमान है तो रिहाकारी भी है कि अपनी बॉडी दिखा रहा है और फिर ये कि वो औरतों को रागब करना अपनी तरफ तो वो भी हराम है ये कि नॉर्मल सी बंदा एड बना रहा है नॉर्मल सी एड बना रहा है और वो अपनी चीज़ अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है उस यानी कि एडवर्टाइज के, के ज़रिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन ये कि उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए म्यूज़िक ना हो औरतें ना हो तो ऐसी एड जायज़ है है ना म्यूज़िक ना हो और साथ ही साथ औरतें ना हो औरतों के लिए तो भाई पर्दे का शरीयत में सख्त हुक्म है आ, बहुत से लोग जो हैं वो आ, कि भाई मर्द औरत सब बराबर सब बराबर तो बराबर बराबर करके उन्होंने सब सत्यानाश किया हुआ है है ना हाँ तो बहरहाल ये आमदनी जो मॉडलिंग की औरतों के लिए हराम है वो ये तो एक्ट्रेस जो है वो एक्टिंग करती हैं उनका भी चाहे ड्रामा में हो चाहे फिल्म में हो चाहे एडवरटाइज़ में हो बहरहाल उनकी आमदनी भी हराम है अच्छा ये सारे तो चले हराम बिल्कुल सख्त हराम चीज़ें थी और ये सारे काम थे इसी तरह से आप देख लें कारोबार में एक है ज़ख़ीरांदोजी एहतिकार उस शरीयत की जबान में एहतिकार कहते हैं और उर्दू में उसे ज़खीर ख़ीरानंदोजी कहते हैं ज़खीर अंदोजी का मतलब ये है कि माल को मार्केट से उठा कर इस्टॉक कर लेना इस वेट में मार्केट से सारा माल उठा लेना और हाँ जमा कर लेना इस इंतज़ार में इस वेट में कि जब मार्केट में इसकी वैल्यू डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी वैल्यू तब तो भी है लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी लोगों के पास वो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होगा तो फिर मैं उसे महंगे दामों पर बेचूंगा तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों को जखीरा करना यानी कि जमा स्टॉक करना ये हराम है ये स्टोरेज करना नहीं इसे कहते हैं स्टोरेज अब बड़े बड़े फ्रिज बने हुए हैं बाकायदा स्टोरेज बने हुए हैं और उसमें खाने पीने की चीज़ों को स्टोर किया जाता है तो ये स्टोरेज करना हराम है ये इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको वाज़ कर दूँ तो आपकी समझ में बात आ जाएगी सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के रसूल की हदीस व सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अहतकार करता है यानी जख़ीरा अंदोजी करता है स्टॉक करता है, है ना? वो गुनहगार है एक हदीस ये है दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल इर्शाद फरमाते जो बंदा बाजार में सौदा करता है कारोबार करता है अल्लाह उसके उसे रिस्क अता फरमाता है और जो इस्टॉक करता है वो मलरून है अल्लाह के उस पर लानते हैं अल्लाह के उस पर लानत है है ना अहतम आजिब नजबर रजी अल्लाह की एक रिवायत है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ख़ीरानंदोज़ी करता है यानी कि स्टॉक करता है माल को मार्केट से उठाकर जमा कर लेता है अपने पास तो अल्लाह तबारक वारा है न अगर भाव कम कर देता है गिरा देता है अगर अल्लाह भाव गिरा देता है तो बंदा गमगीन हो जाता है अगर अल्लाह तारा भाव बढ़ा देता है तो बंदा खुश हो जाता है ये स्टॉक के ज़रिए से आम लोगों का इस्ताल किया जाता है आम लोगों का खून चूसा जाता है आप ये प्याज का भाव सौ तक कैसे पहुँच जाता है ये इसी तरीके से पहुँचता है वरना तो कोई यानी कि ज़रूरी नहीं कि प्याज जो है ना सौ तक पहुंचे आप देखें सरकारी गोडाउन में गेहूं सड़ रहा होता है सड़ रहा होता है लेकिन उसको मार्केट में लाया नहीं जाता स्टॉक किया हुआ है हम लाएंगे कब जब इसकी हम बहुत सख्त ज़रूरत होगी तो फिर हम उसे मार्केट में लाएंगे तो ये सड़ गया प्याज है ना उसे किसी का यानी कि ताजिर ने ख़रीद कर स्टॉक कर लिया किसानों से ख़रीद लिया उस मार्केट यानी कि वैल्यू से कि अभी क्या भाव है तो भाई पता चला कि भाई अभी पाँच रुपया किलो का भाव या भाई वहाँ तो बोली लगती है भाई पाँच रुपया दस रुपया तो ग्यारह रुपया किलो के हिसाब से चलो बिक गई प्याज बिक गई ग्यारह रुपया किलो उसने मार्केट से सारा प्याज सारे किसानों से उठा लिया पंद्रह के हिसाब से भाई ग्यारह में तो आम बिक रहा है मैं पंद्रह दूंगा चलो दे दो अब पंद्रह के हिसाब से उठा लिया तो किसान तो सोच रहा है ग्यारह में बेचता है सच्चा है पंद्रह में आ रहा है चलो खरीद लेता हूँ तो उससे खरीद लिया वो बारह तेरह एक दो रुपये का होता है ज़्यादा नहीं देते वो सेठ आदमी है तो ज़्यादा नुकसान अपना नहीं करेगा तो ग्यारह के बजाय बारह तेरह में भाई मैं बारह दूंगा चल मुझे दे दे ग्यारह में तो बिक ही रहा था तो बारह में सारा माल स्टॉक कर लिया स्टॉक कर लिया अब उसके बाद अब वो वेट कर रहा है मार्केट में अब प्याज प्याज है तो जितने कारोबारी हैं व्यापारी उनसे प्याज है आपके पास प्याज है प्याज प्याज यार नहीं मेरे पास तो नहीं यार नहीं है नहीं है नहीं है भाई मार्केट में प्याज नहीं है वही नासिक वाले इतना उगा कर भेज रहे हैं तो गया कहाँ इतना सब प्याज था वो गया कहाँ तो अब वो यानी कि कुछ ना यार प्याज की किल्लत हो रही है कमी हो रही है प्याज की मार्केट में कमी है कमी है कमी है तो अब यह थोड़ा सा निकालेगा मिसाल के पर एक ट्रक निकालेगा है तो उसके पास सौ ट्रक भर के प्याज तो एक ट्रक धीरे से निकालेगा और वो मार्केट में लाकर रखेगा हर किसी को ज़रूरत है हर व्यापारी दौड़ेगा भाई प्याज की जरूरत है प्याज चाहिए प्याज चाहिए अभी पचास रुपया किलो के हिसाब से खरीदा था पंद्रह के हिसाब से पचास में बेचूंगा हा? अच्छा ये मार ये ये मार्केट से जो ट्रक से जो माल उतर रहा है और खरीद रहा है ना वो व्यापारी कौन सा है ये वो व्यापारी है जो पचास में खरीद कर पचपन में अभी के अभी बेच देगा किसी दूसरे व्यापारी को इसलिए कि वो तो बस ऐसा थोड़ा सा मुनाफा कमाना चाहता है तो वो मार्केट से उठाता है पचास के भाव से और उसने पचपन साठ में जो है ना वो दूसरे को बेच दिया दूसरे व्यापारी को वो व्यापारी जो है उसने अपनी दुकान में स्टॉक किया वो होल है उसने अपनी मार्केट यानी दुकान में ले लिया साठ के भाव से तो जाहिर सी बात है अब वो जो यानी कि यानी मार्केट में बेचने वाले जो हैं है ना होलसेलर से जो खरीदते हैं व्यापारी वो अब खरीदने आएंगे तो साठ में खरीदा हुआ होलसेलर जो है वो बेचेगा सत्तर अस्सी पचहत्तर में तो बेचेगा अब वो अस्सी में पचहत्तर में सत्तर यानी पंद्रह रुपया फायदा उठा के पचहत्तर अस्सी में बीस पंद्रह बीस का फायदा तो पचहत्तर अस्सी में बेच रहा है तो अब ये जो मार्केट में लेकर बैठेगा तो कितने में दुकान वाला कितने में देगा रिटेलर ज़ाहर सी बात है ना थोड़ी ना वो सत्तर अस्सी में बेचने वाला है उसे भी तो कुछ चाहिए तो वो अस्सी में अब ये दुकान वाला है तो उसको दुकान का किराया भी देखना है बिजली का बिल भी देखना है इसको ये भी देखना है वो भी देखना हर चीज़ देखनी है और ख़ुद का मुनाफा भी देखना तो फिर वो एक सौ दस सौ दस एक सौ दस ये यूँ बेचेगा तो कहाँ से कहाँ पहुँचा पंद्रह रुपया की प्याज एक सौ दस के भाव तक पहुँच गई शरीय ने इसे सख्त हराम करा दिया मार्केट में जो माल आए उसे बिकने दो जितना ज्यादा आएगा आवाम का फायदा होगा आप देखें जितना माल ज्यादा आएगा वो सस्ता भी बिकेगा एक दुकान किराने की थी एक ही थी तब तक तो वही भाव खा रहा था लेकिन दूसरी खुल गई तीसरी भी खुल गई <coughs> तो अब हर एक की अपनी यानी कि औकात और हैसियत समझ में आई अब कस्टमर के लिए लोग बाहर खड़े रहते हैं अब मेरे पास पहले आता था उधर घुस गया लोग बाहर खड़े रहते हैं है ना वो ध्यान दे रहे हैं कि ये मेरे पास आता था तो बहरहाल कहने की बात यह कि अब अगर यानी एक बंदा बिरयानी बेच रहा था दूसरा उसी के बाजू में बिरयानी लेकर खड़ा हो गया तो फिर कंपटीशन है और जब कंपटीशन है तो भाव ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन वही एक चीज़ पूरे इलाके में कोई नहीं बेचता ये मुर्गी वाला बच्चा है हाँ इस इलाके में जब तक कोई मुर्गी वाला नहीं था समझो तो अकेला ही मुर्गी वाला है और अब लोग आते जाते शाम को जा रहे हैं तो कहाँ से खरीदेंगे यहीं से तो बंदा आज़ाद है जितने में बेचना चाहे वर्ड मार दिया कि भाई इतना है ना लेकिन अगर कंपटीशन में उतरेंगे दो चार लोग पाँच लोग उतर जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक वो लगा कर बैठा ये मिसाल एक मिसाल दे रहा हूँ मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो दो का भाव लगा कर बैठा हुआ था बंदा उधर बाजू के यानी कि थोड़ा करीब में है ना एक बंदा दो चंद के पास लेकर बैठ गया भाई दो में तो दो में कौन खरीदेगा दो सौ वाले के पास जाएंगे तो मुस्लिम सोसाइटी के पास या थोड़ा और आगे एक आध बैठ गया है ना वो खोल के बैठा दो में तो अब दो सौ वाले के पास कौन जाएगा वो दो में है अब या मक्खियाँ मारने की बारी आ जाएगी तो गाढ़ा चाल के पास एक ने खोल दी एक में ले जाओ 180 में 180 में तो ये सब सो गए तो अब सब सोचेंगे यार अगर बेचना है ना तो 180 लाना पड़ेगा तो अब सबने 180 का वार्ड मारा ताकि एक बंदा यहाँ से आ रहा है तो वहाँ तक गाडा चाल तक ना जाए 180 में यहाँ भी 180 में मिल रहा है वहाँ भी 180 में मिल रहा है तो मुस्लिम सोसाइटी वाला निकल कर यहीं से ले लेगा देवचंद चाल वाला निकल कर वहीं से ले लेगा हर एक को अपना रिस्क मिल जाएगा लेकिन ये जब बढ़ेगा है ना माल की फ्रावानी होगी तो सस्ता होगा माल अगर कम होगा तो फिर ने बिल्कुल आम इजाजत दे भाई जितना जो लोग भी लाते हों सौदा गल्दा लाते हों वेलकम है मेरी तरफ से वेलकम आओ कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा कोई टैक्स नहीं लगेगा आज आओ भाई जितना ज़्यादा आएगा उतना सस्ता खेगा <coughs> तो कहने की बात यह है कि ये इस तरह से माल को महंगा किया जाता है अल्लाह के रसूल वसम ने इससे जख़ीरांदोजी से इस्ट करने से मना किया लेकिन ये इस्टॉक करना सिर्फ खाने पीने की जो ज़रूरत की चीज़ें उसमें खाने पीने की और जो ज़रूरत की चीज़ें उसमें ज़रूरत की चीज़ें मतलब खाना पीना बस ये ये जो इंसान की बहुत सख्त ज़रूरत है ना अनाज गला गेहूँ चावल और सब्ज़ी वगैरह ये सारी नमक है ये सारी चीज़ें आती अब ये कि एक बंदा है जो जैतून का तेल बेचता है जैतून का तेल बेचता है आप तो कपासिया भी खा लेते हैं सिंग तेल भी खा लेते हैं और वो सूरजमुखी भी खा लें और दूसरा क्या पामोलिन खा लें या मकई का खा लें तो अब एक बंदा है जो जैतून के तेल का कारोबारी है और वो जैतून का तेल लाता है और वो जमा कर लेता है अपने यहाँ जैतून का तेल जखीरा करता है कि जब मार्केट में कहीं नहीं होगा तो मैं महंगे दामों में बेचूंगा इसके लिए जायज है ये बेच सकता है जायसे एक बंदा है कि जिसने कपड़ा कोई खास किस्म का कपड़ा था कोट का कपड़ा या किसी चीज का कपड़ा उसने जखीरा कर लिया कि उस टाइप का कपड़ा उसने पूरी मार्केट से उठाकर अपने पास जमा कर लिया अब किसी के पास वो कपड़ा नहीं है वो कपड़ा जमा कर सकता है वो कर सकता है ये अभी बजट आया ना हमारा बजट तो कुछ लोग इतने माहिर होते हैं और इतनी पहुंच रखे हुए होते हैं कि वो बजट तक लगा देते हैं अपनी पहुँच है ना और पहले से उन्हें एक सुगंध आ जाती है कि कौन सी चीज़ महंगी होने वाली है तो सीमेंट वाले को पता चला एक सीमेंट वाले को पता चला कि सीमेंट जो है ना अभी तो चार सौ रुपया है लेकिन इसका भाव जो है ना वो मार्च से अभी फेब्रुआरी लेकिन मार्च से वो साढ़े चार सौ होने वाली है उसे पता चल गया तो बंदा हर हर जगह जा रहा है भैया मुझे सीमेंट की ज़रूरत है मिलेगी कितना माल है अब वो कह रहा है कि इतना यानी कि मेरे पास इतना माल है या मुझे चाहिए हज़ार बोरी चाहिए दस हज़ार बोरी चाहिए मुझे एक लाख बोरी चाहिए और जितना बड़े कारोबारी के पास जाएगा उसके उतना बड़ा मांगेगा मुझे एक लाख बोरियों की ज़रूरत है एक लाख हाँ या बड़ा मेरा है ज़रूरत तो ठीक है अब वो इतने एक लाख मांग रहा है ना तो जाहिर सी बात है दस हज़ार बोरियाँ ले रहा है बीस हज़ार ले रहा है पचास हज़ार बोरियाँ तो जाहिर सी बात है चार सौ तो मार्केट भाव है ना उससे तो तीन सौ अस्सी मिलेगी तीन सौ सत्तर ही में मिलेगी वो सोच रहे हैं मेरी तो पचास हज़ार एक साथ ही निकल जा रही है तो 370 में दे दी उसने चलो ठीक है भाई चलो तय हो गया 370 10 लाख बोरियां आपकी अब वो यानी कि 10 दस, दस हज़ार बीस हज़ार बोरियाँ आपकी वो दे दी इसने उधर दुकान से भी ले ली इधर से भी ले ली उधर से पूरे नवसारी के मार्केट से सारी सीमेंट की बोरियाँ उठाकर इसने अपने गोडाउन में जमा कर ली उनके पास गोडाउन इतने बड़े बड़े नहीं थे कि वो जमा करते या ये कि उन तक खबर ही नहीं मिली वो सोच रहे हैं कि यार हमारा माल एक झटके में बिक रहा है तो अच्छा है ना इतनी आमदनी हमारी इनकम हो जाएगी तो उन्होंने बेच दिया तीन सौ सत्तर अस्सी के भाव से ये बंदा जमा किए जाए किए जा रहा है अब मार्केट में बन रही है भाई सीमेंट चाहिए सीमेंट यहाँ सीमेंट की अछत अच्छा है सीमेंट है ही नहीं सीमेंट की अछत अच्छा हो गई कम किल्लत हो गई अब ये नहीं निका अभी अभी रुको अभी रुको आएगा आएगा अभी माल आ रहा है आ रहा है, है। लेकिन वो कह रहा है आएगा आएगा जब मार्च आया 450 का भाव गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया भाई चार रुपया भाव ये बंदा निकाल के ला रहा है है अब ये निकाल के थोड़ा ला रहा है थोड़ा सा वो वहाँ बिल्डिंग बन रही है उनको ज़रूरत है ज़्यादा की ये लाया मिसाल के तौर पर पचास हज़ार बोरियाँ बाहर लाया कि भाई पचास हज़ार है तो पूरी सिटी में हर एक को ज़रूरत है तो सबने अपने अपने ले ली लेकिन लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत है तो अब ब्लैक में आएगी अब मिलेगी मिलेगी आपको पाँच सौ चाहिए बोरियाँ मैं दूँगा लेकिन पाँच सौ का भाव पाँच सौ का भाव

फैक्ट्री पर कोई पाबंदी नहीं तो बना जितनी बनानी हो बना बेचने वालों पर पाबंदी ये कोई पाबंदी नहीं है ये गवर्नमेंट की चाल है ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है चाल चाल है तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है उधर से पैसा खा रही है माल आने दे रही है और माल आ रहा है ब्लैक में बिक रहा है किसको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है आवाम को है ना तो ये यानी कि शरीयत इस्लाम ने इसे मना फरमाया कि इस तरह ख़ी अंदोज़ न करें कि आप यानि कि खरीद लें सारा माल और स्टॉक करके फिर जब भाव बढ़े तो आप लोगों के है ना मजबूरी का फ़ायदा उठा कर उससे बेचे इसी तरह एक और सूरत है आजकल भी होती है बड़ी मार्केटों यानि बड़े लेवल पर होता है और उस ज़माने में तो छोटे लेवल पर भी हो जाता था लेकिन जो बड़े सेठ होते हैं कारोबारी होते हैं वही लोग ये काम कर सकते वो क्या पुराने ज़माने में काफले आया करते थे पुराने ज़माने में काफ़ले आते अब काफ़ले आते थे ना तो वो क्या पूरे यानी तीस चालीस ऊँट सौ ऊँट पाँच सौ ऊँट तीन सौ ऊँट दो सौ ऊँट ऐसे और उस पर सामान लदा हुआ है वो मुल्के शाम से मक्का आ रहा है हज़ार किलोमीटर दूर सफ़र करके आ अब वो काफ़िला आ रहा है तो काफ़िले वाले आते अपना कारोबार यानी मार्केट में बाज़ार में आते बेचते चले जाते नफ़ा कमाते चले जाते अब कुछ लोगों ने नया निकाला नया धंधा शुरू किया क्या करते यही यही स्टॉक वाला ही धंधा है लेकिन देखिए कैसे स्टार्टिंग है ये जाते यानी कि इनको पता चल गया किसी सेठ आदमी को पता चल गया कि भाई काफिला आ रहा है फला सामान लेकर काफिला आ रहा है तो ये पहुंच जाते आधे रास्ते में यानी कि अभी वो 50 किलोमीटर दूर ये 20-25 किलोमीटर 10 किलोमीटर शहर से दूर है और पता चल गया था तो पहुँच गए और जाकर ओ भाई क्या है सामान में क्या ये 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 सामा सारा सामान है सारी लिस्ट बता दी क्या भाव है क्या ये ये भाव है क्या मैं सारा सामान खरीद लेता हूँ आपसे इतने के हिसाब से कब चलो ठीक है कोई बात इनको ऐसा कि यार एक ही झटके में यहाँ हमारा तो सामान यहीं पर बिक जा रहा है हमको यहीं से वापस चले जाएंगे मार्केट में ले जाकर एक एक आदमी को बेचने से मेहनत करने से तो अच्छा है ना एक ही आदमी के खरीद कर ले गया अब उनको मार्केट का भाव नहीं पता इसने बताया नहीं कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है तो वो भी नुकसान में गए वो खरीद कर ले आया और मार्केट में लाकर अब महंगे दामों बेच रहा है तो जब महंगे दामों बेच रहा है तो आवाम का भी नुकसान यानी कि बेचने वालों का भी नुकसान हुआ ख़रीदने वालों का भी नुकसान बीच का जो एक बिचौलिया जिसे कहने वो फ़ायदा कमा गया है और ये वो काम ये काम वही कर सकता है जिसके पास नोट बहुत ज़्यादा हो हाँ तो वही ये काम कर सकता है तो ये इस तरह से हो तो सरकार ने फरमाया कि कोई भी काफिलों से रास्तों में जाकर मुलाकात ना करें जायज़ नहीं है ये गुनाह आजकल भी ये सूरत है लेकिन ये बड़े लेवल पर होती कहाँ हमारी नज़र में भी नहीं आ सकती ये समंदर में ये काम होता है ये काम समंदर में चाइना से या कहीं से भी माल निकला जहाज भर के वो कंटेनर्स भरे हुए होते हैं डब्बे जो ट्रेन के डब्बे तो वो कंटेनर्स भरे हुए होते हैं पूरा जहाज़ भर कर होता है वो माल वहाँ से निकला और जब वहाँ से निकला स्पेयर पार्ट्स हैं या खिलौने हैं या जो भी चीज़ है वो वहाँ से निकला <coughs> वहां कुछ लोग हैं इंडियंस जो यहां खबर आजकल तो फोन मोबाइल का जमाना है फोन हाँ भाई ये माल निकला यहाँ से अच्छा ठीक है चल चर्माया ये छोटी सी नाव लेकर निकल खड़ा हुआ और जहाज को रास्ते ही में मुलाकात करता है अब मुलाकात वो पहुंच गया उसके ऊपर क्या सामान है का ये सामान है क्या भाव है ये वो फलाने का पांच रुपए का वो सामान था कितने का चाइना से निकला तो पांच रुपए का सामान था अब वो सामान पांच रुपए का निकला इसने खरीद लिया भाई चलो ठीक है मैं पाँच में ख़रीदता हूं तो ठीक है ठीक है चाइना वाले ने जो फैक्ट्री यानी मैन था मालिक उसने पाँच में बेच दिया अब ये पाँच में अब ये कश्त लेकर आ रहा है तो एक दूसरा पहुंचा उसे खबर मिल गई तो दूसरा आया अबे ये किसका अब ये मेरा है मेरा है कितने में भाई दस का है दस के हिसाब से है तो क्या यार मैं ख़रीद लेता हूँ उसने सारा माल दस के हिसाब से खरीद लिया तो फिर तीसरा आया ब कितना तो बीस के हिसाब से या पंद्रह के हिसाब से बारह के हिसाब से तो अब ये बारह पंद्रह अट्ठारह बीस किनारे तक पहुँचा ना तीस चालीस तक पहुँच चुका था वो माल पाँच रुपये का माल तीस चालीस तक किनारे तक पहुँचते पहुँचते हुआ लेकिन जब जहाज किनारे पर लगा अब वो लास्ट जिसने खरीदा है जहाज का सामान वो वहाँ जहाज लेकर खड़ा है और कारोबारी आ रहे हैं तो अब ये जब चालीस में ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत गया था लाया साठ सत्तर में बेच रहा है साठ सत्तर अब साठ सत्तर में बेच रहा है बीस पच्चीस रुपया कमा रहा है बाकायदा ये जो रास्ते वाले थे उन्होंने तो पाँच दस पाँच दस कमाया ये बीस पच्चीस कमा रहा है तीस कमा रहा है और जब ये होलसेलरों ने या बड़े यानी व्यापारी ने खरीद लिया अपने स्टॉक में लिया वो होलसेलरों को अस्सी नब्बे में दे रहा है तो फिर वो आगे रिटेलर्स को सौ एक सौ दस में दे रहे हैं तो रिटेलर्स जो है ना वो एक सौ डेढ़ सौ में दो सौ में है ना भाव तो 200 ही बोलने का फिर कम करा कर डेढ़ सौ तक लाने का 180 सौ अस्सी डेढ़ सौ तक लाने का तो मिला था रिटेलर्स को 120 30 में उन्होंने बेचा डेढ़ सौ या 180 सौ अस्सी या दो में बिक गया तब तो और तो वो ये इस तरह से यानी कि कारोबार जो है वो शरीयत ने मना किया कि इस तरह के काम ना करें अगर वही चाइना वाला अपना पूरा जहाज़ किनारे तक लाता और व्यापारियों को जो होल थे उनमें या व्यापारी को बेचता पाँच में व्यापारी होल को बेचता दस में होलसेलर रिटेलर्स को बेचते पंद्रह में वो सामान हम तक बीस में पहुंच जाता बीस में बहुत बहुत तो तीस में पहुंचता लेकिन डेढ़ सौ ने एक सौ अस्सी दो सौ तक तो नहीं जाता तो इसलिए यानी कि शरीयत ने इसका बड़ा अहतमाम किया था उस ज़माने में तो शरीयत इस्लामिया नाफिस थी और हुकूमत इस्लामिया थी तो इसका बड़ा ख्याल किया जाता था आजकल तो वो मामला नहीं है पर अल्लाह तबरक तारा आ, हमें शरीयत इस्लामिया के मुताबिक कारोबार करने की तोफ़ी के तफर में असल वरह वर्कू